तो यार आज जो है 29 जनवरी शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ उसका अपन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, और ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनका पेपर हो गया या जिनका पेपर हो चुका और अप्रैल में 99% फोड़ने वाले हैं जो बच्चे। तो यार देखो, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो यार फिजिक्स जो है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आई है। ये इनपुट जो बेस्ड है, कोटा में इतने सारे बच्चों से बात करी, यार हम कोटा के रहने वाले हैं और कोटा में जितने बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चे हैं, सबके इनपुट के बेस्ड है। और किन बातों का ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी है, नोट कर लेना उन बातों को। अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो फिजिक्स का पेपर यार फॉर्मूला बेस्ड आया, जैसे हर शिफ्ट में 3 पिछली शिफ्टों में आ रहा है। लेकिन इस शिफ्ट में बच्चों ने बोला कि सर मतलब कैलकुलेशन भी रिलेटिवली इजी ही थी, कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं उनसे ही सवाल ज्यादा आए हैं और पूरा मिक्स आउट हो गया है। तो जो लर्निंग है आने वाले शिफ्टों के लिए कि यार फॉर्मूलेज पे सबसे ज्यादा ध्यान दें और बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी भी कॉन्सेप्ट में जाने में टाइम अभी बर्बाद नहीं करें, आपको ब्रेथ ज्यादा कवर करनी है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यार फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव जो सिंगल करेक्ट टाइप हैं उसमें तो बहुत रेयर आ रही है। मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल टाइप में आ रहे हैं, तो सिंगल करेक्ट वाले में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही मेजरली आ रही है। और बिल्कुल इस शिफ्ट में तो स्टैंडर्ड रिएक्शंस आए हैं, ऐसा भी नहीं था कि कोई इधर उधर के बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए, कुछ तो आए हैं पर स्टैंडर्ड चीज़ें। तो NCERT आपने ढंग से अगर कर ली तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। मैथ्स के बारे में बच्चों ने बोला सर मैथ्स लेंथी आई, एक बच्चे ने तो यहाँ तक बोल दिया सर एडवांस लेवल से भयंकर मैच आ गया, क्योंकि एडवांस में कम से कम कैलकुलेशन तो कम होता है, यहाँ तो सर कैलकुलेशन के फिगर्स भी बड़े गंदे गंदे थे। तो यार मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, कहीं आप किसी क्वेश्चन के ट्रैप में ना फंस जाओ। मोस्टली बच्चों ने बात बोली सर किसी में तो मैं 8-10 मिनट मैंने स्पेंड कर दिया, तो अगर आपके 8-10 मिनट किसी क्वेश्चन में लग गए उसके बदले तो आपके फिजिक्स में 3 सवाल हो जाएंगे 8-10 मिनट के अंदर, तो केमिस्ट्री में तो 5 सवाल हो जाएंगे कम से कम 8-10 मिनट में अगर आपने ढंग से उसको कर लिए तो। तो मैथ्स में ट्रैप क्वेश्चन से बच के रहें। तो मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जब आसान है तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं ताकि उनका जो है मैक्सिमम मार्क्स शुरू में स्कोर हो जाए, और फिर बचे हुए टाइम में मैथ्स को स्कोर कर रहे हैं, और उसमें ही बच्चों ट्रैप क्वेश्चंस बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वाले सवाल को मार्क फॉर रिव्यू कर देना, पहले आसान आसान कर लेना। तो अगर आप मैथ्स का जैसे टिपिकल पेपर आ रहा है उसमें अगर 15 तक भी पहुंच रहे हैं 18 तक भी पहुंच रहे हैं तो वो एक अच्छा नंबर है क्वेश्चंस का, प्रोवाइडेड आप 20 के करीब फिजिक्स में और 20 के करीब केमिस्ट्री में कर चुके हैं अटेम्प्ट। तो भाई इस बात का बहुत ढंग से ध्यान रखें। और जिनकी शिफ्ट आने वाली है वो यार फिजिक्स में जैसे बच्चों ने रिव्यू में बोला है, रिएक्शन में बोला है सर सुपर मेगा रिविजन सीरीज से ही इतने क्वेश्चंस हैं, तो भाई सुपर मेगा रिवीजन सीरीज भी देख लें अगर आप, उसका भी एक एक फॉर्मूला याद कर लें तो काम हो जाएगा। अभी आपको फास्ट रिवीजन करना है या तो सुपर मेगा रिवीजन सीरीज या 24 घंटे में पूरी जेई का रिवीजन देख लें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। और जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो लोग अपनी परसेंटाइल चेक कर सकते हैं मार्क्स डाल के। इसने एक बहुत ज़बरदस्त टूल बनाया है जो कि अपडेट भी होता रहता है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल टूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बात और, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया वो निराश ना हो, 2 महीने में तुम बाउंस बैक कर सकते हो, करके दिखाना है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। तुम्हें लगता है हो सकता है नहीं हो सकता है, तो अपूर भैया, अंतरा दीदी 15% से 99% का बाउंस बैक किया, दीपक भैया ने 45 से 99.7 का बाउंस बैक किया, सुधांशु ने तो 26 से IIT तक का बाउंस बैक कर लिया, तुम भी कर सकते हो। घबराना मत, अपना बेस्ट देना, आने वाले 2 महीने अपना बेस्ट दे दो और फिर एडवांस का 1.5 महीना, तो 3.5 महीने तुम्हें अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। ये हो गया जिनका, उनके लिए हो गया, आधा दिन की मौज मस्ती कर लो, जब पेपर हो गया अगले दिन से बाउंस बैक की तैयारी कर लेना है। बच्चों मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे।